नमस्कार दोस्तों, जय हिंद इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट टेस्टिंग के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। उसी सीरीज़ में दोस्तों हमारा ये अगला वीडियो है दोस्तों, जो कि कैपेसिटर को लेकर है। कैपेसिटर जो होता है हमारा, जो पोलराइज कैपेसिटर हमने इसमें लिया है, तो उस पोलराइज कैपेसिटर को मल्टीमीटर की मदद से कैसे चेक करेंगे उसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। मल्टीमीटर के मदद से इसको किस तरह से टेस्ट करेंगे और दोस्तों उसका सिंबल और उसकी वैल्यू किस तरह से होती है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो देखिए दोस्तों, ये पोलराइज कैपेसिटर है, इसका किस तरह से पता चलता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो इस तरह से सिम्बॉल बना हुआ है नेगेटिव का, दोस्तों ये नेगेटिव का सिम्बॉल है। और दोस्तों ये जो उसका टर्मिनल है, ये नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा, और ये जो वाला जो है बिना निशान वाला, ये पॉजिटिव है। इस तरह से दोस्तों पोलराइज कैपेसिटर को हम जो है पहचान सकते हैं। अब इसकी वैल्यू के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 250 वोल्ट लिखा है और ये 10 माइक्रोफेराड लिखा है। तो दोस्तों ये इसकी जो वैल्यू होगी 10 माइक्रोफेराड, और ये 250 वोल्ट तक हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि उसकी जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो 250 वोल्ट है, उससे ज़्यादा के वोल्टेज के साथ हम इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते। दोस्तों ये डीसी कैपेसिटर, इसको ले हमें डीसी पावर सप्लाई के साथ ही यूज़ करना है। अब इसको चेक कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें मल्टीमीटर को जो है कंटिन्यूटी मोड पर डाल देना है, और उसके साथ में जो है कैपेसिटर को एक बार कनेक्ट करके देखना है। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है, कनेक्ट करते वक्त जो मल्टीमीटर का पॉजिटिव प्रॉब है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ही जोड़ना है, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है कैपेसिटर का, उसके साथ मल्टीमीटर का नेगेटिव प्रॉब जोड़ना है। तो इस तरह से हम इसको जब चेक करेंगे, तो दोस्तों ये बीप साउंड करना चाहिए, या सॉरी माफ़ कीजिएगा, एक बार बीप साउंड कर अगर ये बंद हो जाता है और उसके बाद में इसका जो वैल्यू है वो बढ़ने लगता है ओम्स में, तो दोस्तों कैपेसिटर अच्छा है। लेकिन अगर ये कंटिन्यूसली बीप साउंड करता है तो दोस्तों कैपेसिटर शॉर्ट हो चुका है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो लेकिन दोस्तों ये इसमें अभी बता नहीं रहा है, तो हम इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे ओम्स में। तो हम सबसे पहले हम इसको 200 के पर ले जाते हैं और उसमें चेक करते हैं कि ये कैपेसिटर वैल्यू देता है या नहीं। तो देखिए हम इसका जो पॉजिटिव है मल्टीमीटर के पॉजिटिव के साथ, और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं, लेकिन ये दोस्तों किसी भी तरह का कोई रीडिंग नहीं दे रहा है। तो हम इसको आखिर में लास्ट वाली 2000 के पर सेट करते हैं और एक बार इसका रीडिंग चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों अब हम इसका रीडिंग चेक कर रहे हैं, तो दोस्तों ये हम इसको एक बार शॉर्ट कर लेते हैं। ये क्या है कि चार्ज हो चुका है इसलिए दिखाएगा नहीं। देखिए तो अब हमने जो इसको डिस्चार्ज किया और उसके बाद हमने इसका रीडिंग लेना शुरू किया, तो ये रीडिंग को शो कर रहा है, और जैसे ही रीडिंग बढ़ती जा रही है, इसका मतलब दोस्तों ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और ये अच्छी कंडीशन में है। दोस्तों अब इसका दूसरा एक तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये इसका जो चार्ज हुआ है, अब ये इसको हम किस तरह से मेज़र कर सकते हैं दूसरे तरीके से। तो दोस्तों हमें डीसी 20 वोल्ट पर मल्टीमीटर को ले जाना है, सेट कर देना है। अब दोस्तों ये जो चार्ज कैपेसिटर, इसके जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ मल्टीमीटर के पॉजिटिव को टच करेंगे और नेगेटिव के साथ नेगेटिव को, तो देखिए दोस्तों इसका जो वोल्टेज है वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है, दिख रहा होगा आपको मल्टीमीटर में। तो इस तरह से भी दोस्तों हम इसको चेक कर सकते हैं, ये जो है अब डिस्चार्ज हो रहा है। तो इस तरह से कुछ कैपेसिटर को चेक किया जाता है पोलराइज। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो पर आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।